ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बाय बाय। बाय दीदी। बाय बाय। बाय दीदी। बाय। समझते क्या हो तुम खुद को? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? दीदी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो रोज के समान अपना चुपचाप जा रही थी। अच्छा, और उस दिन जो तुमने समीर के साथ किया वो? चाहती हो तुम? जिंदगी भर लड़ना ही है तुम्हें दीदी। सुन रहे हैं हम, बोलो। दी, हम ना ही लड़ते हैं ना ही लड़ना चाहते हैं, तो फिर ये सब क्यों शक्ति? अरे शक्ति, क्या हुआ? रो मत। ये लो पानी पियो। दीदी, हम ये नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। ये पूरी दुनिया हमें लड़की नहीं लकड़ी समझती है, एक झटके में तोड़ देना चाहती है। और वो लड़के भी उस दिन ऐसा ही सोच रहे थे। देख 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 तो फिर देख तो उठा आज जोरदार पड़ गया है भाई। लगाऊं क्या? लगाऊं लगाऊं क्या? लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे। छोड़ भाई, छोड़ भाई, ये देख वो देख लकड़ी भाई, जोरदार लकड़ी है लेकिन बेटा ये लड़की है, लकड़ी नहीं। आदर्श सुन, फोन रख। लड़की हो या लकड़ी है, दोनों होती कमजोर, दोनों को तोड़ना होता है बड़ा आसान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चल चल चल, ओए ओए कहाँ जा रही है? ओए ओए कहाँ जा रही है? क्या हम इतने कमजोर हैं? शक्ति, भले ही दुनिया हमें लकड़ी समझती हो पर टूटना या तोड़ना हमारे हाथ में होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। फिर मैंने एक दिन एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, तीन चौथाई दुनिया आपको वैसी ही नजर आती है जैसे कि आप। हम अच्छे हैं तो अच्छी और हम बुरे हैं तो बुरी। पहले मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई विश्वास भी बढ़ता गया। हमें अपना नजरिया बदलना होगा। लड़ेंगे तो चोट सबसे पहले हमें ही लगेगी। लड़के सॉल्यूशन निकलता तो आज हम दुखी ना होते। मानती हूं हम भी इंसान हैं, हमें भी औरों की तरह जीने का हक है और है भी। पर अगर हम इस हक को पाना चाहते हैं तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी अपने हक को पाने की। हम कभी उसकी बात क्यों नहीं करते जिसकी एक्चुअल इक्वालिटी होती है? इक्वालिटी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे बढ़ना और बढ़ाना। हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग बनना और बनाना।
और हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा इंसान बनना और बनाना। और शक्ति इसे सिर्फ हम कर सकते हैं, सिर्फ हम। और शायद इसीलिए भगवान ने हमें माँ बनने का वरदान दिया। शक्ति तुम डिसाइड करो, असली शक्ति किस में है, अपने हक के लिए लड़ने में या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में। फैसला तुम्हारा। शक्ति अपना ख्याल रखना, ज्यादा सोचना मत।